इनहिबिटेड सेक्सुअल डिजायर, मतलब सेक्स करने की इच्छा न होना या इच्छा निकल जाना, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोगों को सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेक्स करने की इच्छा नहीं है, इच्छा मर गई है। हाँ, पास में बैठे पत्नी के पास में थोड़ा स्टिम्युलेशन किया तो कठोरता आती है, मगर उसमें मजा नहीं आती, या कठोरता पूरी नहीं आती, और फिर बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होने से फिर मजा नहीं आती सेक्स करने में। तो फिर ये इनहिबिटेड सेक्सुअल डिज़ायर, मतलब कामोत्तेजना नहीं होना या लैंगिक वासना नहीं होना, इच्छा नहीं होना सेक्स करने की, ये होता क्यों है? तो इसके कई कारण हैं। जैसे एक्सेसिव ब्लू फिल्म्स वॉचिंग, इससे सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, उसमें मन लगे रहता है और उसमें मजा आती है, तो इसलिए वो ब्लू फिल्म ज़्यादा देखना वो ठीक नहीं है। फिर नंबर दो, ओवर एक्सपोजर टू इरोटिक मटेरियल, मतलब कामोत्तेजना करने वाली जो भी किताबें हैं, वीडियो होंगे, ऑडियो होंगे, जो भी है उसको ज़्यादा एक्सपोजर कर लेना, बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानना, सुनना, देखना, तो उससे एक्चुअली सेक्स करने की इच्छा निकल जाती है। फिर तीन, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स। क्या होता है कि कुछ लोगों को औरत के या पत्नी के पीछे लगने में, उसको मनाने में उनको मजा आता है, और वो ज़्यादा मजा आता है एक्चुअली सेक्स करने के कंपैरिजन में। मतलब उनको जल्दी सेक्स मिल जाए और इजी अवेलेबल रहा तो उनको मजा ही नहीं आती सेक्स करने में, मतलब उनको उसमें किक आती है कि भाई मनाना, पीछे लगना, उसके साथ में बातचीत करना, और फिर उसको वो ना बोल रही है, फिर अपन उसके पीछे पीछे कर रहे हैं, बाद में हाँ बोल रही है, उसमें उनको एक्साइटमेंट आता है। तो एक कॉज हो सकता है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स। फिर चौथा, बोर्डम, बोर्डम विद द सेम पार्टनर। क्या होता है कि लोग एक ही एक्सरसाइज करते, एक प्रकार का आसन ही करते हैं। सेक्स करने में 365 दिन के 365 आसन हो सकते हैं, एक ही प्रकार से सेक्स कर लिया तो उसमें मजा नहीं आती और फिर बोर्डम हो जाता है। फिर नेक्स्ट, होमोसेक्सुअल टेंडेंसी। तो होमोसेक्सुअल टेंडेंसी जो है, ये जैसा मैंने बोला, ब्लू फिल्म का नंबर एक, नंबर दो ओवर एक्सपोजर टू इरोटिक स्टिमुलेशन, नंबर तीन इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स, नंबर चार बोर्डम विद द सेम पार्टनर, और ये पांच है होमोसेक्सुअल टेंडेंसी। तो होमोसेक्सुअल टेंडेंसी क्या होता है कि उसको समलैंगी इच्छा होती है, समलैंगिक सेम सेक्स की इच्छा होती है, उसको विचार वो आते हैं, और फिर पत्नी के साथ में उसको मजे ही नहीं आते, फिर बहुत ज़्यादा पत्नी, मतलब पत्नी ने उसको स्टिमुलेट किया, बहुत ज़्यादा पीछे लग गए, तो फिर थोड़ा बहुत सेक्स होता है और वो सेक्स कर सकता है, मगर ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होमोसेक्सुअलिटी की, तो उससे फिर सेक्सुअल डिजायर कम होती है। नंबर छः, डिप्रेशन या स्किजोफ्रेनिया, ऐसी बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ, डिप्रेशन में बिल्कुल इच्छा नहीं होती सेक्स करने की, प्लेजर ही नहीं आता, मजा ही नहीं आती। फिर सातवां, यदि वो कोई मेडिसिन के ऊपर है, दवाई चल रही है, स्पेशली मानसिक बीमारियों की दवाई, तो उससे भी लैंगिक भावना कम हो जाती है, इच्छा कम हो जाती है। फिर आठवा, रिलीजियस कॉजेस, धार्मिक कारण जो है वो, कि उपास है, फिर कोई ऐसा एक महीना ऐसा चलता है कि कोई धार्मिक कारण है, समझो रमजान चल रहा है, या फिर हिंदू लोगों में ऐसे कोई एक के पीछे उपास आ रहे, नवरात्रि है, ऐसा कुछ भी है कि जिसमें फिर उनको इच्छा ही नहीं होती सेक्स करने की और वो करते भी नहीं। फिर नवा, कल्चरल कॉजेस। कल्चरल मतलब ऐसा है कि हमारे कल्चर में काफ़ी जो अनाड़ी है, अज्ञानी है, उनको ऐसा लगता है कि दो बच्चे हो गए, तीन बच्चे हो गए, भी कितना बच्चे करने का है, बच्चे कितने करने के, बच्चे तो हो गए, अभी क्या उसमें सेक्स में पड़ा है, अभी उनकी इच्छा ही नहीं होती। मतलब उनको लगता है कि सेक्स करना मतलब ये बच्चे पैदा करने की मशीन है, और वो तो पैदा हो गए, अभी अभी सेक्स करने की जरूरत नहीं, और वो दिमाग से निकाल ही डाल देगी अपने को सेक्स करना है करके। फिर दस, डिस्टर्ब रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यदि बहुत झगड़े चालू है, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़े है, एक दूसरे को समझने को ही तैयार नहीं है, तो उसमें फिर इच्छा नहीं होती, डिस्टर्ब रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। 11, एक्सेसिव मास्टरबेशन, मास्टरबेशन का ऑब्सेशन है, और वो मास्टरबेशन बहुत बार कर रहा है तो फिर उसको इधर इच्छा नहीं होती पत्नी के साथ में या वाइफ के साथ में या औरत के साथ में, तो उसमें फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन से उसको सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। फिर 12, मेडिकल कंडीशंस। यदि मेडिकल कंडीशंस है, कोई बीमारी है, तो कोई बीमारी से सफरिंग चालू है ना, तकलीफ हो रही है, दर्द है, तो नेचुरली सेक्स करने की इच्छा होंगी नहीं।
तो ऐसे ये 12 मेनली मैंने कॉजेज आपको बताया कि जिससे सेक्सुअल डिजायर इनहिबिट हो सकती है, कम हो सकती है, या जो आती है वो पीछे हट जाती है, मतलब पीछे हो सकती है, मजा नहीं आता। तो इनका यदि हम उसका जो जो है उसको डील करें, जो जो कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम है उसको डील करें, तो सेक्स लाइफ अच्छी हो सकती है। अब ये जो मैंने 12 बातें बताई, कोई बाहर बताता नहीं है, चर्चा करता नहीं है, एक दूसरे के साथ में बातचीत करते नहीं है, तो इसलिए जरूर लोगों की वीडियो शेयर करो ताकि लोग इसका इलाज कर सकेंगे और अपना जो वैवाहिक जीवन है वो खुशहाल से लोग जी सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।